विद्यार्थी मित्र हो नमस्कार मैं ढगे इनोवेटिव आम आमोवेटिव यु पब्लिकेशन ऐसी डिजिटल प्लैटफॉर्म वार्दिक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो विद्यार्थी करते हैं कि ची टॉपिक न्याय वीडियो सीरीज पहात आहोल वीडियो मध्य यूनिट क्रमांक बारह वायरिंग इंस्टॉलेशन व वा आर्थिंग वाली कहीं महत्वपूर्ण एम सी क्यूज पाए एकदम आज अपना समोर आम्लिकेशन ऐसी लेक्चरर शेख हर घेऊन आले आहेत आपले तेरावे युनिट एल्युमिनेशन यावरील काही महत्वपूर्ण एम सी क्यूज विद्यार्थी मित्र हो हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा शेअर करा व आमच्या आय व्ही व्ही पी ऑनलाईन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा त्याचबरोबर बेल आयकॉन मधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करण्यास विसरू नका चला तर मग पाहूयात आपले तेरावे युनिट एल्युमिनेशन यावरील एम सी क्यूज नमस्कार दोस्तों मैं शेख हैदर हमारे इनोवेटिव पब्लिकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ आज हम यूनिट नंबर थर्टीन यानी तेरह एलिमिनेशन इस टॉपिक के ऊपर प्रतियोगिता एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ एम देखने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं तो पहला सवाल है वॉट इज द ऐसा यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी लुमिनियस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है ऑप्शन नंबर ए कैंडेला ऑप्शन नंबर बी लुमेन ऑप्शन नंबर सी लक्स ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेडियन अब यहाँ पर हमको इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी का यूनिट बताना है मतलब किसका लुमिनियस इंटेंसिटी का इल्यूमिनेट लुमिनियस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट ये कैंडेला यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बरोबर यानी सही आंसर होगा अगला सवाल है हाउ द रेट ऑफ इवेपोरेशन इन अ वैक्यूम बल्ब इज रिड्यूस वैक्यूम बल्ब में इवेपोरेशन रेट किस तरह से कम करेंगे ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस फिलामेंट रेजिस्टेंस ऑप्शन नंबर बी प्रोड्यूस आर्क इन बल्ब ऑप्शन नंबर सी फिलिंग इनर्ट गैस ऑप्शन नंबर डी इंक्रीजिंग फिलामेंट रेजिस्टेंस अब अगर हम इवेपोरेशन रेट अगर कम करना है हमको वैक्यूम ट्यूब में तो उसके लिए हमें इनर्ड गैस फिल करना होगा क्या करना हम इनर्ड गैस फिल करना होगा यानी यहां पर ऑप्शन नंबर जो सी है फिलिंग इनर्ड गैस यहां पर हमारा सही आंसर होगा अगला सवाल है वॉट इज द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ का वर्किंग तापमान कितना होगा ऑप्शन नंबर ए 1500 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर बी 2300 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर सी 2000 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर डी 1800 डिग्री सेल्सियस अब यहां पर हमको वर्किंग टेम्परेचर बताना है किसका फिलामेंट लैम्प का अब फिलामेंट लैम्प जो होता है वो होता है टंगस्टन से बना किससे टंगस्टन से अब यहां पे हम टंगस्टन का इस्तेमाल एज ए फिलामेंट बोल के करते हैं अब इसका जो वर्किंग तो टेम्परेचर रहता है तो वर्किंग टेम्परेचर 2300 डिग्री सेल्सियस तक क्या रहता रहता है यानी जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है अप टू द ट्वेंटी थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक इजीली वर्क कर सकता और इसका जो लुमिनियस इंटेंस इफिशियंसी है वो लुमिनियस इफिशियंसी है एट लुमेन पर वैटर अब हमको यहाँ पर पूछा गया सवाल वट इज द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ यानी फिलेमेंट लैम्प का वर्किंग टेम्परेचर क्या हुआ तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है 2300 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2300 डिग्री सेल्सियस अगला सवाल है विच डिवाइस प्रोवाइड इग्नाइशन वोल्टेज एंड एक्ट एज ए चोक इन एच पी एस वी लैम्प एच पी एस वी लैम्प का मतलब होता है हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प यानी हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प में ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इग्नइशन वोल्टेज प्रोवाइड करेगा और एज ए चोक बोल के काम करेगा ऑप्शन नंबर ए आर्क ट्यूब ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफार्मर ऑप्शन नंबर सी सोडियम ऑप्शन नंबर डी हाई प्रेशर ऑक्साइड अब यहाँ पर हमको के मतलब अब में, जो लीक ट्रांसफार्मर रहता है वो लीक ट्रांसफार्मर हम क्या कर दे एज एग्नाइशन वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल कर दे इग्नाइशन वोल्टेज मतलब क्या होता है इनिशियली स्टार्टिंग में इस ट्यूब को क्या रहता है हाइयर अमाउंट ऑफ वोल्टेज की जरूरत तो वोल्टेज ब्लास्ट प्रोवाइड करने का काम यहाँ पर पर करेगा और एक बार यहाँ पर जब हमारा लैंप स्टार्ट होगा यानी चालू होगा उसके बाद में करंट को कंट्रोल करने का काम सेम ट्रांसफार्म करेगा मतलब लीक ट्रांसफॉर्मर यहां पर दो काम करेगा एक पहला काम करेगा इग्नाइशन इनिशियली स्टार्टिंग वोल्टेज प्रोवाइड करेगा दूसरा वो जब लैंप हमारा वर्किंग कंडीशन में रहेगा उस टाइम में करंट लिमिटिंग यानी करंट कंट्रोल करने का काम करेगा तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि भाई यहाँ पर एज ए चोक वोल्टेज देने का काम कौन करेगा तो उसका ऑप्शन सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी लीक ट्रांसफार्मर अगला सवाल है फ्लो ऑफ लाइट इन टू द प्लेन सर्फेस यानी इनमें से दी वाली ऐसी कौन सी टर्म है जो प्लेन सर्फेस पे लाइट के लिए उपयुक्त तो होंगी यानी सही होगा ऑप्शन नंबर ए लुमिन ऑप्शन नंबर बी लुमिनियस ऑप्शन नंबर सी एलुमिनेशन ऑप्शन नंबर डी लुमिनियस इंटेंसिटी अब यहाँ पर जो लाइट के बारे में हमको सवाल किया गया लाइट जो विस्ट टर्म इसमें से कौन सा टर्म है जो फ्लो ऑफ लाइट यानी सरफेस में फ्लो ऑफ लाइट के लिए एक रिलेट करेगा अब यहाँ पर हम क्या करते लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड जो एक लाइट जो लाइट से जो एनर्जी निकलती है हर सेकंड को हम उसको क्या बोलते हैं एलुमिनेशन क्या बोलते हैं हम so, आप जब प्लेन सर्फेस पे जो भी हर हर सेकंड में लाइट से जो एनर्जी निकलेगा उसको so, क्या बोलेगा एल्यूमिनेशन तो यहां पर आऊंगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर एलुमिनेशन अगला सवाल है टाइप ऑफ लाइटनिंग स्कीम इज फॉर फ्लड एंड इंडस्ट्रियल यानी कौन सी लाइटनिंग स्कीम और सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे हम फ्लड और इंडस्ट्रियल लाइटनिंग के लिए ऑप्शन नंबर ए इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम ऑप्शन नंबर सी सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम ऑप्शन नंबर डी सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम अब अगर हम फ्लड और इंडस्ट्रियल लाइटिंग में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं कोई लाइटनिंग स्कीम हम वहां पर डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम का इस्तेमाल करेंगे इसमें जो डायरेक्ट जो एनर्जी लाइट एनर्जी क्या होता है डायरेक्ट लाइट टू सरफेस पर नाइन अब मोस्ट ऑफ नाइन्टी परसेंट से ज्यादा लाइट एनर्जी क्या होता है सरफेस पे आता है टेन परसेंट एनर्जी क्या होता है सिर्फ आउटसाइड क्या होता है वेस्ट और उसके सरफेस से थोड़ा सा बाहर जाएगा अदरवाइज मोस्ट ऑफ लाइट एनर्जी क्या होगा हमारा पास कहा जाएगा सरफेस आएगा। इसलिए हम वहाँ पर डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम का इस्तेमाल करेंगे यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर होगा। अगला सवाल है वॉट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्लैशर इन द करंट इज 100 हंड्रेड मिली एमपियर इन ईच रो अब यहां पर जो फ्लैशर दिया वाला है उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है अगर हर रो में यहाँ पे कितना रो एक दो तीन तीन रो है तो तीनों रो का अगर करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना है हंड्रेड मिली एमपियर तो ये फ्लैशर का कितना अब ये जो टोटल तीनों रो में से जो जाने वाला करंट कहाँ से जा रहा है सेम फ्लैशर से जा रहा है अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है फिफ्टी मिली एमपियर ऑप्शन नंबर बी है थ्री हंड्रेड मिली एम्पियर ऑप्शन नंबर सी है टू हंड्रेड मिली एमपियर ऑप्शन नंबर डी है वन हंड्रेड मिली एमपियर अब यहां पर देखो जो तीन रो है एक दो तीन तीनों रो का हर एक रो में करंट कर हंड्रेड मिलियमपियर अब यहां पर हंड्रेड मिली यहां पर हंड्रेड मिले यहां पर हंड्रेड मिली टोटल करंट कहां से आया ये फ्लैशर से अगर ये स्विच जैसा क्लोज करा तो यहां से इसका मतलब यहाँ पर अगर थ्री हंड्रेड एम्पियर करंट है तो यहां पे हंड्रेड 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 मतलब तीनों का अगर एडिशन करें तो कितना हंड्रेड मिलियम्पियर और टोटल करंट कैरिंग कैपेसिटी किसका फ्लैशर का इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है थ्री हंड्रेड मिलियमपियर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अगला सवाल है व्हाट इज द यूनिट ऑफ लुमिनियस फ्लक्स लुमिनियस फ्लक्स का यूनिट क्या है ऑप्शन नंबर ए लक्स ऑप्शन नंबर बी कैंडेला ऑप्शन नंबर सी लुमेन ऑप्शन नंबर डी लुमेन पर मीटर स्क्वेयर अब यहाँ पे हमको सवाल किया गया है लुमिनियस फ्लक्स के बारे में मतलब लुमिनियस फ्लक्स का ऐसा यूनिट बताना है अब लुमिनियस फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है लुमेन क्या होता है लुमेन यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हुआ अगला सवाल है वाई द आउटर ट्यूब ऑफ हाई प्रेशर मेटल हेलेट लैम्प मेड ऑफ बारो सिलिकेट ग्लास यानी जो हाई प्रेशर मेटल हेलेट लैम्प है इसका जो आउटर ग्लास है वो आउटर ग्लास बारो सिलिकेट ग्लास से ही क्यों बनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज द लाइटिंग इफेक्ट ऑप्शन नंबर बी है रिड्यूस द अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन फ्रॉम द लैम्प ऑप्शन नंबर सी है विथ स्टैंड एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑप्शन नंबर डी है स्टैंड हेवी अब यहाँ पर जो जो मेटल रहता है उसके दो ट्यूब रहते हैं एक, रहता, एक रहता, है, तो रहता, है रहता, है रहता है इनर ट्यूब एक रहता है आउटर ट्यूब ट्यूब अब इनर है तो इनर ट्यूब में रहता है जनरली इलेक्ट्रोड मेटल हेलेट मर्किया ऑर्गन गैस ये सब कहा रहता है इनर ट्यूब में अब आउटर ट्यूब जो रहता है आउटर ट्यूब हम बनाते कैसे से यहाँ पर सीधा सीधा मेंशन किया है कैसे बारह सिलिकेट ग्लासेस अब इसका रीजन क्या है अब इसका रीजन क्या है कि इस वजह से जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो निकलेगी इसको कम से कम करने के लिए यानी रिड्यूस करने के लिए यानी यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है रिड्यूस द अल्ट्रा रेडिएशन फ्रॉम द लैम्प इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ अगला सवाल है डैश इलेक्ट्रिक लैम्प इन विच द लाइट इज इमिटेड बाय द आर्क यानी ऐसा कौन सा लैम्प है जिसमें से आर्क द्वारा लाइट इमिट किया जाता है यानी आर्क द्वारा से लाइट बाहर निकाले जाता है ऑप्शन नंबर ए आर्क लैंप ऑप्शन नंबर बी फिल्मेंट लैंप ऑप्शन नंबर सी हाइलोजन लैंप ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अब अब यहाँ पर हमको ऐसा क्वेश्चन किया गया कि ऐसा कौन सा लैंप है जिसमें से आर्क द्वारा लैंप लाइट इमिट जाता है यानी लाइट बाहर निकाले जाता है तो यहाँ पर ये सीधा सीधा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आर्क लैम्प आर्क लैम्प में ही आर्क द्वारा क्या होता है लाइट इमिट जाता है यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्क लैंप अगला सवाल है द यूनिट ऑफ लुमिनियस इफिशियंसी का ऐसा यूनिट कौन सा है ऑप्शन नंबर ए लक्स, ऑप्शन नंबर बी लुमेन ऑप्शन नंबर सी लुमेन पर वैट ऑप्शन नंबर डी लुमेन पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पर लुमिन इफिशियंसी जो रहता हम है डिफाइन करते लुमेन पर वैट तो यानी आऊंगा अपर अपर ऑप्शन नंबर सी ल्यूमेन पर वाट इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अगला सवाल है हाउस टर्बोस्कोपिक इफेक्ट इन इंडस्ट्रियल ट्विन ट्यूब लाइट फिटिंग इज रिड्यूस यानी ट्विन ट्यूब लाइट फिटिंग सिस्टम में टर्बोस्कोपिक इफेक्ट किस तरह से कम किया जाता है ऑप्शन नंबर ए कनेक्टिंग कैपेसिटर पैरेलल टू सप्लाई ऑप्शन नंबर बी कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विथ सप्लाई ऑप्शन नंबर डी कनेक्टिंग टू कैपेसिटर इन सीरीज विथ एच ट्यूबलाइट ऑप्शन नंबर डी कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विथ वन ट्यूबलाइट अब यहां पर हमको क्वेश्चन किया गया है कि भाई अगर ट्यून ट्विन ट्विन यानी दो ट्यूबलाइट सिस्टम में स्टर्गोस्कोपिक इफेक्ट अगर कम करना है तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टर्गोस्कोपिक इफेक्ट हम किसको बोलते हैं ठीक है जहां पर ट्यून ट्यूबलाइट सिस्टम है अगर यह जनरली हम कहा पर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं अब यहां पर क्या होता है अगर हम फ्लोरसन ट्यूबलाइट जनरली कहाँ पर फ्लोरसन ट्यूबलाइट में इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है फ्लोरसन ट्यूबलाइट को हम अगर फिफ्टी हर्ड ए सप्लाई पर अगर कनेक्ट करते तो क्या हुआ जनरली क्या होता है फिफ्टी हर्ड साइकिल में जब अगर ए से अगर ए सी सप्लाई कर दिए तो एक सेकंड में 50 बार यानी 50 टाइम्स क्या हुआ 50 बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ हुआ इसका जो इफेक्ट है इसका इफेक्ट जो ट्यूबलाइट के अंदर निर्माण यानी जो हिट क्रिएट होंगे तो वह हीट पर डायरेक्टली इसका इफेक्ट होगा और इस वजह से क्या होता है जो भी ट्यूबलाइट से जो लाइट एनर्जी बाहर जो आने वाली है वो कैसा दिखेगा तुम्हारे तो रुक रुक कर यानी ऐसा बन चालू बन चालू होते हुए दिखेंगे यानी इसको हम क्या करते हैं फ्लिकरिंग क्या बोलते हैं उसको फ्लिकरिंग अब वो जनरल क्या होगा जैसा फिफ्टी हार्ड जब क्या होगा फिफ्ट फिफ्टीन टाइम बंद चालू बन चालू होने की वजह से क्या होगा लाइट क्यों ऐसा कंटिन्यूस नहीं मिलेगा फ्लिकर ही मिलेगा मतलब रुक रुक के रुक रुक के मिलेगा अब इसकी वजह से क्या होता है सेम अगर ये फ्लिकरिंग में ये फ्लिकरिंग में अगर एक मशीन अगर ऑपरेट हो रहा है तो मशीन पर क्या हुआ एक्चुअल जो उसकी स्पीड है उससे वो कम स्पीड से घूमते फिर दिखाई देगा या फिर ऐसा लगेगा कि वो मोटर रन हुई रन ही नहीं हो रहा मतलब क्या है स्टॉप वाली लाइक लेकिन एक्चुअली मोटर रन हो रहा है ये लाइट इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है मोटर हमको ऐसा लग रहा है कि वो इफेक्ट क्या गया रुक गई या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा लग रहेगा ऐसा महसूस होगा कि वो जो मोटर का जो डायरेक्शन वो कैसा होगा रिवर्स डायरेक्शन में घूम रहा है लेकिन एक्चुअली क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन में अब ये जो इफेक्ट है इसको हम क्या कहते हैं स्टर्बोस्कोपिक इफेक्ट अब इस टर्बोस्कोपिक इफेक्ट को दूर करने के लिए दो ट्यूबलाइट में से किसी एक ट्यूबलाइट में हम क्या करते हैं कैपेसिटर कनेक्ट करते हुए सीरीज में यानी हाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विथ वन ट्यूबलाइट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अगला सवाल है What is the name of reflector? यहाँ पर इमेज में दिए होगा। रिफ्लेक्टर का नाम क्या है ऑप्शन नंबर ए मिरर टाइप ऑप्शन नंबर बी सॉफ्ट लाइट टाइप ऑप्शन नंबर डी डिस्प्रेक्सिव टाइप ऑप्शन नंबर डी पैराबोला टाइप अब यहाँ पर ये जो है ये कैसा है पैराबोलिक शेप है कैसा है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर पैराबोलिक टाइप अगला सवाल है वॉट इज द पर्पज ऑफ इग्नइटर इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प अब यहाँ पे हमको सवाल किया गया है कि हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प सर्किट में किस इग्नइटर का क्या पर्पस है ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज द स्टार्टिंग करंट ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज़ द रनिंग वोल्टेज ऑप्शन नंबर सी जनरेट हाई वोल्टेज पल्स एट स्टार्टिंग ऑप्शन नंबर डी डिक्रीज द रनिंग करंट अब यहाँ पर हमको पूछा गया है कि इग्नाइटर का पर्पस क्या है इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में अब जो इग्नाइटर जो होता है इग्नाइटर क्या करता है इनिशियली स्टार्टिंग टाइम में एक हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करता है वोल्टेज ब्लास्ट प्रोवाइड करने का काम करता है यानी इनिशियली स्टार्टिंग में एक हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा यानी ऑप्शन नंबर सी जनरेट हाई वोल्टेज पल्स एट स्टार्टिंग ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अगला सवाल है What इज द नेम ऑफ लाइट अब यहाँ पर दिया गया जो लाइट है इसका नाम हमको बताना है इसका नाम क्या है एक नाम ऑप्शन नंबर ए बल्क लाइट ऑप्शन नंबर बी स्पॉट लाइट ऑप्शन नंबर सी फ्लड लाइट ऑप्शन नंबर डी फ्लैश लाइट अब ये जो इमेज में दिया गया इसको आप क्या कहते है? हैं स्पॉट लाइट क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्पॉट लाइट अगला सवाल है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिक ट्रांसफॉर्मर इन हाई प्रेशर सोडियम एपरलैम्प सर्किट यानी िक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है कहाँ पर इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प में अब यहां पर ऑप्शन नंबर ए दिया ला है रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट ऑप्शन नंबर बी इग्नाइट द हाई वोल्टेज इनिशियली ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज द वर्किंग वोल्टेज ऑप्शन नंबर डी रिड्यूस द वर्किंग वोल्टेज अब जो लिक ट्रांसफार्मर लिक ट्रांसफार्मर हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी देखा क्या करता है लिक ट्रांसफार्मर का काम क्या है इनिशियली हाई स्टार्टिंग वोल्टेज प्रोवाइड करना ताकि हम क्या करें इसको इग्नाइट कर सके स्टार्ट कर सके और जब एक बार हमारा लैंप स्टार्ट होगा बाद में ये क्या काम करता है करंट लिमिटिंग का काम करता है चौक बोल के यहाँ पर काम करेगा तो यहाँ पर क्या कर रहा है ऑप्शन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर बी एग्नाइट द हाई वोल्टेज इनिशियली ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो क्योंकि हम लेक ट्रांसफॉर्म का मेन पर्पस ही वो है क्या करना उसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड करना इनिशियली स्टार्टिंग टाइम में क्या के लिए इग्नाइशन के लिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एग्नाइड हाई वोल्टेज इनिशियली क्वेश्चन का सही आंसर अगला सवाल है यानी को हम किस position में, यानी किस स्थिति में उसका इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन नंबर ए एनी पोजिशन ऑप्शन नंबर बी इनक्लाइड पोजिशन ऑप्शन नंबर सी हॉरिजेंटल ऑप्शन नंबर डी वर्टिकल अब जो एमबी टाइप के हाई प्रेशर मर्कुरी वेपर लैम्प है इसको हम कोई भी पोजीशन में यानी एनी पोजीशन में हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनी पोजीशन अगला सवाल है विच टाइप ऑफ लाइट फिटिंग डिजाइन हैज फ्री फ्रॉम ग्लेयर अब यहाँ पर हमको पूछा गया है कि ऐसे कौन सी लाइट फिटिंग का टाइप है जो ग्लेयर से एकदम फ्री है ऑप्शन नंबर ए सेमी इंडायरेक्ट लाइटनिंग ऑप्शन नंबर बी सेमी डायरेक्ट टाइप लाइटनिंग ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट लाइटनिंग टाइप ऑप्शन नंबर डी इनडायरेक्ट लाइटनिंग टाइप अब यहाँ पर जो सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग टाइप रहता है ये कंप्लीटली यानी पूरी तरह ग्लेयर से फ्री फ्रा रहता है यानी यहाँ पर पर हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेमी इनडायरेक्ट टाइप अगला सवाल है विच मटेरियल इज कोटेड इन टंगा इलेक्ट्रोड फॉर अ फ्लोर ट्यूब लैम्प अब यहां पर फ्लोरसेंट ट्यूब लैम्प में जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर कौन से मटेरियल की कोटिंग रहती ऑप्शन नंबर ए सिल्वर ऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी बोरियम एंड स्टोटियम ऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी फ्लोरोसेंट पाउडर ऑप्शन नंबर डी फॉस्फरस पाउडर अब यहां पर जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड यानी फ्लोरोसेंट लैम्प में जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कोटिंग रहती है वो कोटिंग क्या क्या रहता है बैरियम एंड स्टोटियम ऑक्साइड का यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर अगला सवाल है व्हाट इज कॉइल्ड कॉइल लैम्प कॉइल्ड कॉइल लैम्प का मुख्य एडवांटेज क्या है ऑप्शन नंबर ए हाई मेल्टिंग ऑप्शन नंबर बी लो ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑप्शन नंबर सी हाइयर लाइट आउटपुट ऑप्शन नंबर डी लो पावर कंजप्शन अब यहां पर जो कॉइल्ड कॉइल -coil, जो लैम्प है उसका क्या रहता है हमारे पास हायर लाइट आउटपुट क्या रहता है उसका जो आउटपुट जो रहता है क्या है बाकी कंपेरिटिवली बहुत ज्यादा रहता है इसलिए इसका मेन एडवांटेज यही है कि इसका क्या है हाइयर लाइट आउटपुट यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है अगला सवाल है विच इज द कोल्ड कैथोड लैम्प कोल्ड कैथोड लैम्प कौन सा है ऑप्शन नंबर ए हेलोजन लैम्प ऑप्शन नंबर बी फ्लोरोसेंट लैम्प ऑप्शन नंबर सी साइन लैम्प ऑप्शन नंबर डी मर्कोरी वेपर लैम्प अब यहां पर कोल्ड कैथोड लैम्प कौन सा है हमको यह बताना है

हाई प्रेशर मरकुरी वेपर लैम्प ऑप्शन नंबर डी एम टाइप मरकुरी वेपर लैम्प अब यहां पर जो इमेज है ये इमेज है एम टाइप हाई प्रेशर मरकुरी वेपर लैम्प की सो so, यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तो विद्यार्थी मित्र हो अशा प्रकार आज अपन यूनिट क्रमांक तेरा इल्यूमिनेशन या चैप्टर वरील का महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पाहिले पुढील व्हिडिओमध्ये आपण युनिट क्रमांक चौदा मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स या चॅप्टरवरील काही महत्त्वपूर्ण एम सी क्यूज पाहणार आहोत तेव्हा भेटूयात डे आफ्टर टुमारो एका नवीन माहितीसह हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा शेअर करा व आमच्या आय व्ही व्ही पी ऑनलाईन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल मधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करा जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओची माहिती आपणास मिळेल धन्यवाद